वहीं रायगढ़ में चक्रधर समारोह के स्थल चयन के लिए सोशल मीडिया से लेकर कई माध्यमों में विरोध हो रहा है। इसको देखते हुए कलेक्टर यशवंत कुमार ने कलेक्ट्रेट में बैठक रखी, जिसमें निर्धारित करना था कि चक्रधर समारोह रामलीला मैदान में हो या फिर नवनिर्मित ऑडिटोरियम में हो। यहां सैकड़ों की संख्या में बैठक में गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए और जहां उपस्थित नागरिकों ने अपना अपना पक्ष रखा, अंतिम में सर्वमान्य से लोक जो निर्णय है वो निकाला गया कि चक्रधर समारोह का आयोजन इस वर्ष रामलीला मैदान में ही किया जाएगा। बैठक में विधायक प्रकाश नायक की अध्यक्षता में आयोजित ये बैठक हुई थी। सर्वसम्मति से रामलीला मैदान में चक्रधर भव्य चक्रधर समारोह, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समारोह है, उसकी गरिमा को बरकरार रखने के लिए सभी लोगों ने सहर्ष उस जगह का समर्थन दिया। लगभग सभी की भावना ये थी कि इस वर्ष वहाँ हो, लेकिन मैदान खराब न हो, तो मैदान के लिए व्यक्ति साहब ने कहा है कि हम तत्काल साफ कराएंगे। और उसमें मैंने इस सभा मंच से ये बोला है कि अगर फंड की कहीं कमी आती है तो मैं अपने विधायक निधि से उस मैदान का संधान कराऊंगा।